मैं पुत्र साफ चाहिए मैं 14 जमाता पढ़ाई अपनी बच्ची हमने 25 दिन पहले उसकी शादी की यार मेरी कोई गल नहीं सुनता भैया और अंदर वाड़ के लुटिया मार चढ़िया साड़ी बच्ची काफरा ने और काफरा ने आड़ी बच्ची मारिया जदीदा ने बच्ची मारी आड़ी 25 दिनों के बच्ची कबरा च टर गई है सानू साफ चाहिए साफ चाहिए साफ चाहिए साफ चाहिए जी पंजाब साहब हमें कुछ बताते हैं कि हम क्या करें बच्चियों का जिंदा सफर करते हैं जोधपुर में हमारे साथ हुआ 25 दिन शादी को में है 25 दिन में क्या जुलम करते हमारी बच्ची ने साढ़े नाल पुलिस जड़ी है बिल्कुल कोई भी तामन नहीं कर रही हम सड़कों पे निकलेंगे हम सियालकोट बंद कर देंगे सारा अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हमें इंसाफ चाहिए हमें इंसाफ चाहिए ये वो घर है जिस घर की एक मासूम बच्ची को ससुरालियों ने बिना तौर पर जहर देकर मार दिया ये वाकया है क्या जानते हैं अस्सलाम वालेकुम माँ जी ताड़ी बेटी सी मैं पुत्र इंसाफ चाहिए मैं 14 जमाता पढ़ाई अपनी बच्ची मैनू इंसाफ चाहिए माड़ी बुढ़ी सा मैनू इंसाफ चाहिए मेरी कोई गल नहीं सुनता पाया मेरी कोई गल नहीं सुनता पाया मैं 14 बच्ची पढ़ाई मैनू इंसाफ चाहिए मेरा जुलम किया उन्होंने मेरा जुलम किया उन्होंने बड़ा बड़ा जुलम किया मैनू बड़ा बड़ा जुलम किया उन्होंने मेरी कोई गल नहीं सुनता पाया मेरे कोई गल नहीं सुनता पाया मेरी ती लाख दी सी ते उन्होंने कैसी बच्ची सी बच्ची अच्छी सी ठीक सी बच्ची ते मार छड़ी उन्होंने 14 पढ़ाई सी और अंदर वाड़ के लुटिया मार छड़िया साड़ी बच्ची काफरा ने और काफरा ने आड़ी बच्ची मारी जदीदा ने बच्ची मारी आड़ी अंदर दे के साड़ी बच्ची मार छड़ी है साफ ना जहर दे के बच्ची मारी है आड़ी बच्ची नोना ने सानू इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए जालमा ने नहीं पता लगन दिता साड़ी बच्ची ने बेगुनाह मार छड़े 25 दिनों दे विच बच्ची कवरा च टर गई है तुहाडी मेहरबानी है दा इंसाफ चाहिए कि हमारी बच्ची हमने 25 दिन पहले उसकी शादी की है कोली हरा थाना इलाका मराकीवाल में जो अगर थाना इलाका सारे पाकिस्तान को पता है कि इस 15 दिन में दो वाकया हुए हैं थाना कोली हरा के इलाके में एक दो मासूम बच्चे मार दिए एक हमारी बच्ची मार दी जालमों ने फिर थाना लोहारा हम पहुंच गए 2 बजे रात 2 बजे हम पहुंच गया कि थाना लोहारा के किसी ऐसे जाने हमारी बात नहीं सुनी कह रहे थे इधर है ही नहीं हम दोबारा किसी ऐसे किसी पीछे हमने कॉल किया फिर पीछे से उठ कर जालम आया आके फिर उतरे हमारी 8 बजे बात सुनी है जब उसने बात सुनी है हमारी तो वो लड़का बाहर चला गया था दुबई भाग गया था उसकी 10 बजे की फ्लाइट थी जो उसने कैंसिल करवा के सुबह 7 बजे की करवा के भाग गया अगर वो सुबह 2 बजे हमारी बात सुन लेता तो अगर हम उसे बाहर जाने देते उस जालिम ने हमारी बच्ची को मार डाला बहुत गरीब ग्रांड है हमारा हम गांव में रहने वाले हैं ये दुनिया हमारे साथ हो रहा है हम पीछे 100 साल चले जाए बच्चों को जिंदा दफन कर दे हमें बता दो बस ये जो दुनिया हमारे साथ हुआ हम क्या करें इसका कहाँ जाए हम हमें कुछ बता सकते हैं डीपीओ साहब आईजी साहब आईजी पंजाब साहब हमें कुछ बताते हैं कि हम क्या करें बच्चियों का जिंदा दफन कर दे जो दुनिया हमारे साथ हुआ 25 दिन शादी को में है 25 दिन में क्या जुलम कर दिया हमारी बच्ची ने जो जुलम के मार डाला हमें बता दे बस ये कि हमने क्या जुलम किया हमारी गलती बता दी हमें कि हमने ये जुलम किया अगर ये बच्ची को इंसाफ ना मिला तो पाकिस्तान में कितनी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा हम सड़कों पे निकलेंगे हम सियालकोट बंद कर देंगे सारा अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हमें इंसाफ चाहिए 25 दिन पहले इसकी शादी हमने की है कुछ देर तो तशद्दुद करते रहे और उसके बाद उन्होंने उसको जहर देकर मार दिया और हमें फोन करके बताया कि इधर अस्पताल में आ जाओ और ये भी नहीं बताया कि इसको जहर दिया है लेकिन कहा कि उसको पेट में दर्द है इधर आके और अस्पताल कॉल किया आपको शमस ने खुद किया जो दमाद है आपके दमाद ने वो खुद कॉल किया और उस वक्त कॉल किया जब वो फौत हो चुकी थी 25 दिन में कितनी बार आपकी बेटी यहाँ पे दोबारा आई है तीन चार दफा आई है क्या कहती थी आपको परेशानी नहीं जाहिर किया साढ़े नाल पुलिस जड़ी बिल्कुल कोई भी तावन नहीं कर रही असी खुद पुलिस थाना कोली गए हैं लेकिन पुलिस ने साड़ी कोई गल सुनी ही नहीं उन्होंने कहा जी परचा दर्ज कर लिया पे केस दर्ज कर लेने फल लेने लेकिन उन्होंने घर छापा मारन तक भी नहीं गए मैं खुद नाल इस चीज दे असी राती सानू इत्थे 2 बजे पता लगा रात नू कि बच्ची फौत हो गई है केड़ी बच्ची जी ये पता ही नहीं कि बच्ची केड़ी फौत हुई है पता लगा जी वो बच्ची जी दी हुण शादी हुई है क्यों फौत हो गई है असी जदों सियालकोट 10-15 बंदे गए हैं ये भाई यारी पहला पहुंच गए हैं साढ़े भाई साहब असी जदों उत्थे पहुंचे हैं तो घर वाले जिहड़े ने उत्थे कोई उन्होंने ना मौजूद जी सी ना बीबी सी ना कोई बंदा सी
बच्ची जड़ी जो फोत हो गई सी असा जाके देखा भाई इन्हू पुछया बेचारा रो रहा असा क्या की होया इन्हें क्या यार इतने कोई रहा ही नहीं ना को है उन्होंने राबता किया इन्हें दो त्रै बार इन्हें फोन किया लेकिन किसी ने फोन ही नहीं चुकया जरा मुंडा है जरा दमाद से इन्हों का उन्हें 7 बजे की लाहौर टिकट कराई है तो दुबई पहुंच गया पुलिस ने असा दसिया कि 3:30 बजे असं थाने कोल ली गए हैं हाँ क्या मुंडे ने टिकट करा ली उन्हें टुर जाना है लेकिन पुलिस ने साड़ी कोई गल ही नहीं सुनी क्या सवेरे 7:30 आयो ईमानदार इंसान ने असी आई जी पंजाब नूं अपील करने आ कि अद खुद नोटिस लैके इस मामले नूं जितनी जल्दी हो सके पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और जेड़े लोग असी इंसान इंसाफ की खातर जमा वे सानूं इंसाफ दिता जाए असी फिर मैं पुलिस से अपील करना आई जी पंजाब मसूद अनवर अगे कि वह साडे सारे अहले इलाका की फरियाद नूं सुणदे आ बच्ची दे वालदे आ और सानूं सारे अहले इलाका नूं इंसाफ मुहैया किया जाए ताकि आइंदा कोई अहिंदा शफाक दुश्मन किसी भी बच्ची भी ऐसा कोई फेल ना कर सके इन इंसाफ के कतारे लाके इबरतनाक सजा दी जाए। देखा आपने किस तरह माँ बाप रो रहे हैं क्योंकि माँ बाप जानता है जब उनकी बच्ची या बच्चा उनसे जुदा हो जाए किस तरह माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं और उनके साथ क्या होता है। मेरी भी DPO साहब से RPO साहब से यही अपील है जिसने ये काम किया है उसको सजा दी जाए ताकि फिर दोबारा कभी किसी माँ की बेटी उससे जुदा ना हो पाए। इसके साथ साथ अपने मेजबान महरे अली को दें इजाजत। न्यूज़ अलर्ट सियालकोट।